दोस्तों, टीवी जगत में आज अगर कोई ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी अदाकारी से भी दर्शकों के दिलों में राज किया है, तो शायद ही आपकी ज़ुबान पर अभिनेत्री जेनिफर विंगेट की जगह ही किसी और अभिनेत्री का नाम आए। चाहे फिर बात हो सरस्वती चंद्र में सादगी भरे किरदार को निभाने की, या फिर बात हो बेहद जैसे इंटरेस्टिंग सीरियल में एक साइको लवर की भूमिका पर्दे पर उतारने की। अभिनेत्री जेनिफर विंगेट ने अपने हर एक किरदार को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर पेश करके दर्शकों की आज फेवरेट बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि लोगों के दिलों में बस जाने वाली अभिनेत्री जेनिफर विंगेट सिर्फ अपनी ऑडियंस के ही नहीं बल्कि कई अभिनेताओं के दिल में भी बस चुकी हैं। लेकिन अफसोस, इन्होंने जिससे प्यार किया उनके साथ इनका प्यार अधूरा रह गया। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके उसी लव स्टोरी या ब्रेकअप स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो आखिरकार अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जेनिफर विंगेट की लव स्टोरी किस तरीके से एक ब्रेकअप स्टोरी बन गई, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही साथ इस खूबसूरत अभिनेत्री यानी कि जेनिफर विंगेट के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। पना दिल मिल गए और बेहद जैसे धमाकेदार और एक से बढ़कर एक टीवी शोज के साथ हर एक शख्स के चहेती बनने वाली अभिनेत्री जेनिफर विंगेट आज टीवी इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक गिनी जाती हैं, जिनकी दीवानगी दर्शकों के बीच में ऐसी है कि आज इनसे शादी करने का सपना हर एक शख्स देखता है। लेकिन अगर बात की जाए इनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप स्टोरी के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है शो कसौटी जिंदगी के सेट से। जी हाँ, इसी शो के दौरान जेनिफर विंगेट की मुलाकात अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ हुई थी, जहाँ इस शो में काम करने के दौरान एक दूसरे के साथ ही काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगे थे। लेकिन इन दोनों के प्यार की शुरुआत इनके इस शो दिल मिल गए के दौरान हुई, जिसमें करण सिंह ग्रोवर डॉक्टर अरमान मलिक और जेनिफर विंगेट डॉक्टर रिधिमा का किरदार अदा कर रही थी। तो वहीं इसी दौरान इन दोनों को शूटिंग के बाद भी ज़्यादातर एक दूसरे के साथ समय बिताते स्पॉट किया जाने लगा था, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, जिसमें जेनिफर करण पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी थी कि जब भी वो करण से किसी और के साथ लव अफेयर होने की खबरें भी सुनती थी तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती थी। अपने इसी प्यार के चलते इन दोनों ने साल 2012 में एक दूसरे से शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक होने की तरफ कदम बढ़ाया। इन्हें देख इनके फैंस को तो यही लगने लगा था कि भाई इन दोनों की शादी फिल्म इंडस्ट्री की सभी शादियों से सबसे अलग और सफल होने वाली है। लेकिन शायद ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी फिल्म अलोन में बिपाशा के साथ काम करने के दौरान ही करण सिंह ग्रोवर बिपाशा बसु की तरफ ज़्यादा नज़दीक बढ़ गए थे, और इसीलिए जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर का रिश्ता काफ़ी बिगड़ने लगा, जहाँ शादी के 2 साल के अंदर ही इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, जिसके सालों बाद जेनिफर विंगेट के ज़िंदगी में एंट्री ली अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने। दोनों ने बेपनाह सीरियल में एक साथ काम किया। एक साथ काम करने के दौरान ही ये दोनों इतने अच्छे दोस्त बने कि एक दूसरे की खुशी की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन इनकी ये दोस्ती इतनी पक्की थी कि दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ कई बार क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखा जाने लगा, जिसके बाद इन दोनों के प्यार की खबरें हर तरफ वायरल यानी कि फैलने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया, लेकिन अफसोस इन दोनों के बीच का ये रिश्ता भी ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सका। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स होने लगी, जिसके चलते इनका ये रिश्ता इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया, और इस तरह से इनकी लव स्टोरी ब्रेकअप स्टोरी में तब्दील हो गई। तो दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेनिफर विंगेट की जोड़ी आपको किस स्टार के साथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार खबरों के बारे में लगातार जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।